भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने बजरी माफियाओं द्वारा थाने को बंदी मंथली देने के मामले का खुलासा किया है। अजमेर एसीबी के एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि टोंक जिले के पीपलू थाने में बजरी माफियाओं द्वारा 1.5 से 2 लाख रुपए प्रतिदिन मंथली के तौर पर दिए जाते थे। एसबी ने इस मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया। प्रदेश में बजरी माफियाओं की सक्रियता और बजरी के खनन के बाद आमदन को 4 गुना भाव में बजरी मिल रही है। खासकर टोंक जिले के बनास क्षेत्र में अवैध बजरी खनन से जुड़ा माफिया इतना सक्रिय है कि पुलिस भी इनके सामने बोनी साबित होती है। इसकी वजह साफ है कि बजरी माफिया थाने में रोज बंदी देते हैं, ये खुलासा हुआ है। एसीबी ने की कार्रवाई से अजमेर एसीबी के पीपलू थाने में बंदी के लिए जाने की शिकायत एसपी को मिली थी। इसका सत्यापन करवा के एसबी ने कार्रवाई की। एसीबी ने मौके से कांस्टेबल कैलाश चौधरी को गिरफ्तार किया। वहीं दलाल शंकरलाल चौधरी एवं राकेश चौधरी को भी एसीबी ने पकड़ा है। मौके पर 1,46,500 रुपये एसीबी ने बरामद किए। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही थाना प्रभारी विजेंद्र गिल मौके से फरार हो गए। साथ में 2 अन्य व्यक्ति जो प्राइवेट हैं उन तीनों को मौके से गिरफ्तार किया गया है और एसएचओ स्वयं जो है वो मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है और उनके जितने भी ठिकाने हैं उन पर दबिश दी जा रही है। कितनी रिश्वत? कुल अमाउंट जो रिकवर किया गया वो 1,46,000 लगभग करीब अमाउंट है और ऐसा सामने आया है कि लगभग 3,000 प्रति वाहन 3,000 रुपये ये जो है रिश्वत की राशि ली जाती है। सर, क्योंकि टोंक वो इलाका है जहाँ से लगातार बजरी माफियाओं के खिलाफ शिकायत मिल रही है, तो कितनी शिकायतें अपने पास पहुँच रही थी और आखिरकार स्पेसिफिकली टोंक जिले से तथा अन्य जिलों से भी कई शिकायतें हमारे पास थी, तो इसी को मटेरियलाइज हमने करते हुए और ये कार्रवाई की है। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ेगा कि ये जो है आगे बंदी का जो है लेवल कितना है, क्या है, कहाँ तक कार जुड़े हुए हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में मालूम। एसएचओ फरार है? फिलहाल एसएचओ फरार है और उनके जितने भी ठिकाने हैं और जगह हैं उन पर दबिश दी जा रही है। कांस्टेबल ले पीपलू थाने कांस्टेबल है कैलाश चौधरी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आदमी हैं जो कि बजरी परिवहन में से ही जुड़े हुए हैं और वो भी साथ में मौके पर मौजूद थे और लगातार जो है जब भी ये डेली पैसे इकट्ठे किए जाते हैं तो यही व्यक्ति हमेशा साथ में मौजूद है। अच्छा, ये मंथली थी या सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर से लिए गए थे? ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा। फिलहाल जो चीज़ सामने आई है वो कि लगभग प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख रुपये एक थाने का इकट्ठा हुआ करता था और प्रत्येक वाहन ये लोग 3,000 रुपये लिया गया। जी,